लोहरदगा पुलिस द्वारा लगातार चलाए गए डबल बुल ऑपरेशन का असर दिख रहा है। ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान में पुलिस को भारी सफलता मिली है। नक्सलियों पर भारी दबाव है। इसके मछेंजर 15 लाख इनामी नक्सली रविंद्र गंजू के दस्ता का सदस्य सूरजनाथ खेरवार उर्फ गुड्डू ने लोहरदगा पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। बताते चले कि ऑपरेशन के दौरान लगभग एक दर्जन से ज़्यादा बार नक्सली और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। दो तीन जवान घायल भी हुए हैं, वहीं दो तीन नक्सली मारे गए हैं। नक्सलवाद एक बहुत ही लंबी लड़ाई है, वो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती है। तो नक्सलवाद की जो लड़ाई है वो लंबे समय तक चलती रहेगी, लेकिन जब जब ऐसा मौका आएगा कि नक्सली हावी होने की कोशिश करेंगे या फिर उनमें डर नहीं रहेगा, तब ऐसे डबल बुल जैसे और भी जो नक्सल अभियान चलाए जाएंगे। जो भी अभी नए जो आने वाले जो SP साहब हैं वो भी इस अभियान को लीड करेंगे, हमारे CRPF के कमांडेंट हैं। उनके बाद जो भी उनके नेक्स्ट जो भी ऑफिसर आएंगे वो ये अभियान चलाते रहेंगे और ये लंबी लड़ाई है और हम सभी लोग इसको लड़ते रहेंगे। पकड़ा भी गए जिसमें फिर हमारा मनोबल या संगठन से बहुत टूट गया और हम संगठन में नहीं रहना चाहे, हम अपना मुख्यधारा में जुड़ने को प्रयास किए और मुख्यधारा में जुड़े। नक्सल क्यों बने हैं? हथियार क्यों उठाना पड़ा था? हथियार हमको जो हमारे गांव घर में जो रविंद्र गंजू के दस्ता और लोग सभी लोग आसपास के गांव में, मेरा गांव में भी संगठन मजबूत करने के नाम से संगठन में प्रत्येक घर से बच्चा को संगठन में देने के लिए बोला था। उसी समय हमको गांव वालों को प्रतिबंध या गांव वालों को भलाई के लिए हमको जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय गांव में हम नहीं जाते तो गांव वालों को मारने का पीटने का ये धमकी दे रहा था। इसी की वजह से हम संगठन में शामिल हुए थे। बचे हुए नक्सली से क्या अपील करेंगे? बचे हुए नक्सली से हम यही अपील करता हूँ कि जो भी जंगलों में भटक रहे हैं या जंगलों में घूम रहे हैं, उससे मैं यही कहूँगा कि आज जो सरकार हमारे जो नीति बनाई है आत्मसमर्पण नीति, उस आत्मसमर्पण नीति से आप मुख्यधारा में जुड़ करके अपना घर परिवार के साथ या गांव लोगों के साथ अपना खुशहाल जिंदगी जिए। अब जो सरकार का लाभ है वो सरकार आपको लाभ देगा और उसी का आप जिंदगी अच्छा से जी सकते हैं। हथियार उठाने के बाद गांव का कितना भला कर पाए? हथियार उठाने के बाद गांव में हम कुछ भलाई नहीं कर पाए, इसी वजह से हमारा भलाई में नहीं दिखाई दिया, इसीलिए हम नहीं। मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी सफलता है और मैं जिला पुलिस और CRPF कमांडेंट साहब इनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस ऑपरेशन में इन्होंने इतनी सफलता हासिल की है और उग्रवादियों को मुख्य धारा से भी जोड़ने का प्रयास किया है। और सरकार की जो नीति बनी है उस नीति का फ़ायदा इन लोगों को मिले और इन लोगों का जीवन जो आगे जो है सही राह पे चले, सिर्फ इनका ही नहीं इनकी जो है इनका परिवार जो है उस परिवार का भी पुनर्वास किया जाए। तो इस संबंध में जो सरकार की नीति बनी है उससे जो भी फायदे इनको मिलने हैं, उस संबंध में जिला पुनर्वास समिति की मीटिंग में जो पुनर्वास पैकेज बनेगा वो सारे लाभ इन लोगों को दिए मतलब दिलवा दिए जाएंगे। और इस आत्मसमर्पण के जरिए एक अच्छा संदेश पुलिस और जो हमारे पैरामिलिट्री बल की जो कमांडेंट साहब हैं इनके तरफ से एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है कि मुख्य धारा में जुड़ने से जो है सरकार एवं पुलिस और प्रशासन आपके साथ है कि आपको आगे का जो जीवन है वो सही राह पे आप उसको जी पाए और अपने जीवन में भी खुशहाली और अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छा रोजगार उनको दे पाए। तो ये एक अच्छा संदेश है और मैं मानता हूँ कि सफलता बहुत बड़ी है और मेरी तरफ से पुलिस और CRPF अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।